किसी एकक कोष्ठिका के अंदर, सुनो, किसी एकक कोष्ठिका के अंदर जो गोला होता है जितना आयतन घेरा रहता है उसी को संकुलन क्षमता कहते हैं। अरे गिलास है, जितना ओकर अंदर पानी भर देंगे, जितना पानी भरा रहेगा उसी को क्या कहते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। तो किसी भी एकक कोष्ठिका के अंदर जो जालक होते हैं या जो कण होते हैं जितना स्थान को घेरे रहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता। और सुनो, संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र भी आपको मालूम होगा कि क्या होता है, जेड गुणे चार बटा तीन पाई आर क्यू गुणे सौ बटा में ए क्यू, ये सूत्र जरूरी है। इसका परसेंट आप आगे लिखा दीजिए, इसका तो 52 कितना होता है 4, इसका तो 69 होता है और इसका कितना होता है 74, आप निकाल सकते हैं। अगर आधे का पूछा जाएगा तो एक कोण यहाँ पर आता है, एक कोण यहाँ पर आता है, इसको आर मानिएगा, इसको आर मानिएगा, पूरा दूरी क्या हो जाएगा, ये और यार में संबंध निकालेंगे तो ये बराबर क्या आता है 2 है। अब बस उसमें रख देना है, इसी में रख देना है संकुलन क्षमता, पैकिंग इसको कहते हैं, कैपेसिटी। तो जेड का मान कितना आता है, एक, एक चार बटा तीन होंगे लिखो, पाई का मान 3.14, आर का वहीं लिखो आर क्यू, सौ वहीं लिखो बटा में एक जगह पर 2 बार, लेकिन आप 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है ना, तो 3R से 3R कैंसिल, आई दो ना 4 एक कैंसिल, आई 2 से काटोगे तो 157 बार में कैंसिल, ठीक है, तो बच गया। अगर 10 हटा देखा है यहाँ से तो नीचे 100 आ गया, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 157/3 परसेंट आ जाए, भाग दे देंगे तो लगभग 52.4% आ जाएगा, ना निकल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप ये वाला निकालेंगे, अंत वाला निकालेंगे, तो इसके पहले ए और आर में संबंध निकालेंगे, ए और आर में संबंध निकालेंगे, तो ए और आर में जो संबंध निकालते हैं तो क्या आता है, ए बराबर क्या वाला 4R/3, यही आएगा 4R/3। तो इसको भी निकाल सकते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग कैपेसिटी। इसमें जेड के मान कितना आता है 2, याद कर लो, 2×4/3 गुणे पाई के मान भर देखा 3.14 गुणे आर क्यू गुणे 100, और नीचे आप इसको रखेंगे 4R/3, 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 क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि आर क्यू, पूरा काट कूट कर दीजिएगा तो आपके पास 68% आ जाएगा। अच्छा, अब एक और लास्ट बचा है जो आपके पास FCC वाला, तो इसको भी ए और आर में संबंध बना दो। ए और आर में संबंध क्या होता है आपको याद होगा, अरे ए बराबर होता है का 4R/2। अच्छा, और अच्छा से परिमिकरण करके भी लिख सकते हैं, हो जाएगा 4×2 कि यहीं छोड़ दे, चलिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो आप पैकिंग कैपेसिटी निकालिएगा तो जेड हाइयर फार्मूला लगेगा, तो इसमें तो जेड का मान कितना आ जाता है 4 आ जाता है, और फिर 4/3 वैसे ही लिखिए, यहाँ पर लिखा गया है पाई का मान 3.14, आर की वैसे ही लिखो 100 बटा में आपके ये लिखा आएगा 4R/2, 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 काट कूट के हल करेंगे तो 74% आपका आ जाएगा, ये संतुलन क्षमता आपके पास रहा। चलिए, हाँ ना लगभग।